ए भैया, बेकार में शाहजहां ने इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। ए भैया, मेरे पापा कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी मम्मी कहती है हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और बेटा कहता है जानू रिप्लाई दो वरना मैं नस काट लूंगा। ए भैया, जरा सी सर्दी क्या पड़ी, हमारे गांव में 5 का अंडा जालिमों ने 7 में कर दिया। देखो भैया, हमारा अनुभव कह रहा है कि पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, और औरतें दोनों कानों से सुनकर सिर्फ मुंह से निकालती हैं। ए भैया, जब आदमी रिजर्वेशन में सफर करता है तो अपनी सीट में नहीं टिकता, और जब जनरल में सफर करता है तो अपनी सीट नहीं छोड़ता। ए भैया, बेकार में शाहजहां ने इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। ए भैया, शादी में कुंवारे और अंतिम यात्रा में बुजुर्ग यही सोचकर शामिल होते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारे में कौन आएगा। ए भैया, आपन लोगन का मालूम है हमारे देश में हिंदी बोली जाती है और अंग्रेजी झाड़ी जाती है। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, घंटा घंटी मार्केट में चड्डियां बेचा करते थे। ए भैया, जरा सी सर्दी क्या पड़ी, हमारे गांव में 5 का अंडा जालिमों ने 7 में कर दिया। ए भैया, कहते हैं कि शादी के पहले पूरी दुनिया घूम लेनी चाहिए, वरना नहीं तो शादी के बाद तो पूरा आदमी घूम जाता है। ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता, आज भी हमारा बैंक बैलेंस होता अगर हमारा दादा आशिक न होता।